हेलो दोस्तों, आज का विषय कॉग्निटिव कंजंक्शन। कॉग्निटिव कंजंक्शन हमें समानता का पाठ पढ़ाता है। जिस प्रकार प्राकृतिक चीज़ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करती, असमानता नहीं करती, ठीक उसी प्रकार कॉग्निटिव कंजंक्शन दो समान वाक्यों को जोड़ता है। इट एड्स टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस एंड टू वर्ड्स विद इक्वल रैंक। निम्नलिखित शब्द कॉग्निटिव कंजंक्शन है जो ओ आर एफ सी बताएंगे, यानी अपोजिट वाक्य जोड़ेंगे, रिजल्ट बताने वाले वाक्य को जोड़ेंगे, फ्री यानी इंडिपेंडेंट वाक्य को जोड़ेंगे तथा चॉइस बताने वाले वाक्य को जोड़ेंगे। जैसे ही प्लेड एंड आई प्लेड टू, ये दो समान वाक्य हैं तथा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। वह अपना खेल खेलेगा, मैं अपना खेल खेलूंगा। डेफिनेटली यहाँ एंड कॉग्निटिव कंजंक्शन है जो दो फ्री सेंटेंस को जोड़ रहा है। उसी प्रकार ही रेड येट ही फेल्ड, यहाँ भी दो समान वाक्य हैं जिसे येट के द्वारा जोड़ा जा रहा है, अतः कॉग्निटिव कंजंक्शन है। समान वाक्य होने के अलावे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट वाक्य को जोड़ने वाला कॉग्निटिव कंजंक्शन होता है। उसी प्रकार ही वर्क, सो ही अर्न मनी, उसने काम किया इसीलिए रुपए कमाए, यहाँ भी दो समान वाक्य हैं लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य का रिजल्ट बता रहा है। काम करने का रिजल्ट क्या आया? पैसा कमाना, अतः सो रिजल्ट बता रहा है कॉग्निटिव कंजंक्शन। आई शैल बाय अ बुक और अ पेन, यह चॉइस बताया जा रहा है, या तो बुक या पेन खरीदूंगा, यानी चॉइस बताने वाला शब्द कॉग्निटिव कंजंक्शन होता है। आई लाइक वर्किंग हियर बट डोंट लाइक टू वर्क देयर, मैं यहाँ काम करना पसंद करता हूँ लेकिन वहाँ नहीं। यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य का अपोजिट है। तो दोस्तों, इस फार्मूला से, ओ आर एफ सी से हम क्वांटिटी कंजंक्शन की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेट्स हैव पैसेजेस। ही प्लेड एंड आई प्लेड टू, वह खेला और मैं भी खेला। बोथ प्लेड वेल, दोनों ने अच्छा खेल खेला। बट आई शैल नॉट लेट हिज ब्रदर प्ले, लेकिन मैं उसके भाई को नहीं खेलने दूंगा। ही इज अ नास्टी फेलो, नास्टी फेलो मीन्स बुरा आदमी है। आई शैल नॉट पुट अप विद हिम, मैं उसे पुट अप विद मीन्स बर्दाश्त करना, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसी प्रकार एक और पैसेज, ही वर्क सो ही अर्न मनी, वह काम किया इसीलिए पैसे कमाए। ही डजेंट अर्न इलीगली, वह गलत रूप से पैसा नहीं कमाता है। ऑल द एलिगेशंस लेबल्ड अगेंस्ट हिम वे फाउंड टू बी बेसलेस, सारे आरोप एलिगेशंस आरोप जो उसके खिलाफ लगाए गए बेसलेस से निराधार साबित हुए। दोस्तों, इस प्रकार से हमने कॉग्निटिव कंजंक्शन के बारे में जानकारी हासिल की तथा इन शब्दों की जानकारी हासिल की। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।